उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, भारत 3 करोड़ से भी ज्यादा देवी देवताओं का घर है। आपको भारत के शहरों में हर कोने पर एक मंदिर मिल जाएगा। हम उन चीजों के जवाब पाने के लिए परमेश्वर पर बहुत विश्वास करते हैं जिन्हें हम नहीं समझ सकते, लेकिन कभी कभी विश्वास हमें सबसे अनोखी जगहों पर ले जाता है और ऐसी अजीब और अद्भुत जगहें आपको सिर्फ भारत में ही मिलेंगी। तो दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस देश के सबसे अजीबोगरीब मंदिर, जी हाँ, जहाँ अगर आपको मौका मिले तो जरूर जाइएगा। फ्रेंड्स, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। खजुराहो मंदिर। दोस्तों, मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित खजुराहो के मंदिर अपनी अद्भुत शिल्प कला और अकल्पनीय मूर्ति कला के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर हैं। यहाँ भारत के बेहद प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों का समूह है। वहीं इन मंदिरों की दीवारों पर बनी कामोत्तेजक मूर्तियाँ यहाँ आने वाले सभी सैलानियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। खजुराहो में हिंदू और जैन धर्म के प्रमुख मंदिरों का समूह है, जो खजुराहो समूह के नाम से प्रसिद्ध है। चंदेला साम्राज्य में बने इस अद्भुत मंदिर को इसकी भव्यता और आकर्षण की वजह से विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। अपनी अद्भुत कलाकृति और कामोत्तेजक मूर्तियों के लिए दुनिया भर में मशहूर मध्य प्रदेश के छतरपुर के पास स्थित खजुराहो के मंदिर काफी प्राचीन है। खजुराहो के शानदार मंदिरों का निर्माण चंदेल साम्राज्य के समय में किया गया था। भगवान चंद्र के बेटा राजा चंद्रवर्मन ने खजुराहो के ज्यादातर मंदिरों की स्थापना की थी। वहीं जैसे ही चंदेल शासन की ताकत का विस्तार हुआ था, उनके साम्राज्य को बुंदेलखंड का नाम दे दिया गया था और फिर उन्होंने खजुराहो के इन भव्य मंदिरों का निर्माण काम शुरू किया था। इन मंदिरों के निर्माण में काफी लंबा वक्त लगा था। 950 ईसा पूर्व से करीब 1050 ईसा पूर्व तक इन मंदिरों का निर्माण किया गया था। खजुराहो मंदिर की प्रमुख विशेषताएं। खजुराहो के मंदिर अपनी भव्यता और सुंदर कलाकृतियों एवं मनमोहक कामोत्तेजक मूर्ति कला की वजह से पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। इस प्राचीनतम मंदिर की सुंदर कलाकृतियां दुनिया की सबसे खूबसूरत कलाकृतियों में शुमार हैं, जो कि कला प्रेमियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। खजुराहो के मंदिर में दीवारों पर बनी इन अद्वितीय मूर्तियों की बेहतरीन कारीगरी और नक्काशी की हर कोई तारीफ करता है। खजुराहो के मंदिर में बनी कामोत्तेजक मूर्तियां इसकी प्रमुख विशेषता हैं। इन आकर्षक मूर्तियों के द्वारा जो कामुक कला के अलग अलग आसन प्रदर्शित किए गए हैं, लेकिन फिर भी ये प्रतिमाएं अश्लील प्रतीत नहीं होती हैं। विस्की देवी उज्जैन। ये दुनिया का एकमात्र मंदिर हो सकता है जहां आपको प्रसाद के रूप में शराब मिलती है और देवताओं को शराब चढ़ाई जाती है। मंदिर में भैरव देवता की पूजा की जाती है और यहाँ के मुख्य देवता काल भैरव हैं। मंदिर के चारों ओर शराब की दुकानें हैं। आप इस दुकान से साल के 365 दिन शराब ले सकते हैं। मंदिर से जुड़ा एक रहस्य भी है। मंदिर की प्रतिमा उस पर डाली गई सारी शराब को सोख लेती है और इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है। बुलेट बाबा जोधपुर। दोस्तों, इस मंदिर में किसी की मूर्ति नहीं है, लेकिन 350 सीसी रॉयल एनफील्ड की पूजा की जाती है। इस मंदिर के पीछे ही कहानी ये है कि बाइक ओम बन्ना की थी, जिनकी बाइक दुर्घटना में मृत्यु हो गई और पुलिस ने बुलेट को जब्त कर लिया, लेकिन बाइक पुलिस स्टेशन से गायब हो गई और दुर्घटना स्थल पर दिखाई दी और ये दोबारा हुआ जब पुलिस इसे स्टेशन ले गई। भारत माता मंदिर, वाराणसी। फ्रेंड्स, इस मंदिर का उद्घाटन महात्मा गांधी ने 1936 में भारत माता को समर्पित कर किया था। इसमें कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि संगमरमर से बना भारत का नक्शा है। मंदिर भारतीय स्वतंत्रता के सभी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित है। भारत के नाम पर जिस तरह से इस मंदिर को बनाया गया है वो शानदार है। देश है तो हम सब हैं, नहीं तो कोई नहीं। विजा मंदिर, हैदराबाद। हैदराबाद के सबसे पुराने मंदिर में से एक है चिलकुर बालाजी मंदिर। इस मंदिर के पीछे सबसे विचित्र कहानी है। अगर आप इसमें जाते हैं और प्रार्थना करते हैं तो आपको अपने अटके हुए वीजा की मंजूरी मिल जाएगी। दोस्तों, जमाना बदल गया है, लोगों की मांग भी अब बदल रही है। पहले हम साइकिल बाइक ईश्वर से मांगते थे, तो आजकल वीजा की डिमांड ज्यादा है। तभी तो कहा जाता है कि अगर आपको किसी भी देश का वीजा चाहिए तो यहाँ आकर प्रणाम करें और आपको वीजा मिल जाता है, ऐसी लोगों की मान्यता है। करणी माता मंदिर। बीकानेर में स्थित करणी माता का मंदिर चूहों के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर पूरे भारत में बहुत फेमस है। यहाँ दूर दूर से पर्यटक दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ करीब 20,000 काले चूहे रहते हैं। ये जगह बीकानेर से 30 किलोमीटर दक्षिण में देशनोक में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने 15वीं से 20वीं शताब्दी में करवाया था। इस मंदिर को मुगल शैली में सुंदर पत्थरों से बनाया गया है। करणी माता का जन्म चारण कुल में होने के कारण ये मंदिर चूहों का मंदिर भी कहलाया जाता है। करणी माता को मां जगदम्बा का अवतार माना जाता है। मंदिर के मुख्य द्वार पर संगमरमर से नक्काशी की गई है और चांदी के दरवाजे बनाए गए हैं। यहाँ चूहों के प्रसाद के लिए चांदी की बड़ी थाली भी देखने लायक है। इन चूहों को पवित्र माना जाता है और इन्हें काबा कहा जाता है। इतने चूहे होने के बाद भी मंदिर में आज तक कोई भी बीमारी नहीं फैली। यहाँ तक कि चूहों का जूठा प्रसाद खाने से कोई भी भक्त बीमार नहीं हुआ है। चूहे पूरे मंदिर में मौजूद रहते हैं।
वे श्रद्धालुओं के शरीर पर कूद फांद करते हैं लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। चील, गिद्ध और दूसरे जानवरों से इन चूहों की रक्षा के लिए मंदिर में खुले स्थानों पर बारीक जालियां लगी हुई हैं। यहां सुबह 5 बजे मंगला आरती और शाम 7 बजे आरती के समय चूहों का जुलूस तो देखने लायक होता है। एक कथा के अनुसार 150 साल की उम्र में जब मां करणी की मृत्यु हुई थी तब वो मरने के बाद चूहे के रूप में परिवर्तित हो गई थी। तंभेश्वर मंदिर बड़ोदरा से 85 किलोमीटर दूर स्थित जम्बूसर काविंग कम्बोई गांव में स्थित है शिव का ये मंदिर जो चमत्कारिक है। स्तंभेश्वर नाम का ये मंदिर सुबह और शाम को अदृश्य हो जाता है और कुछ देर बाद उसी जगह पर वापस भी आ जाता है। हालांकि ऐसा ज्वार भाटा के कारण होता है जिसके चलते हम मंदिर के शिवलिंग के दर्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया सदियों से चली आ रही है जो कि आश्चर्य की बात है। ये मंदिर अरब सागर के बीच कैम्बे तट पर स्थित है और कहा जाता है कि इसका निर्माण शिव पुत्र कार्तिकेय ने करवाया था। इस मंदिर की खोज लगभग 150 साल पहले हुई। मंदिर में स्थित शिवलिंग का आकार 4 फुट ऊंचा और 2 फुट के व्यास वाला है। इस प्राचीन मंदिर के पीछे अरब सागर का सुंदर नजारा दिखाई पड़ता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खास तौर से पर्चे बांटे जाते हैं जिसमें ज्वार भाटा आने का समय लिखा होता है। श्री जगन्नाथ मंदिर दोस्तों, श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज हमेशा ही हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किस लिए होता है वैज्ञानिक ही बता सकते हैं, जबकि ये यकीनन ही आश्चर्यजनक बात है। ये भी एक हैरान करने वाली ही बात है कि हर दिन शाम में मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ियों पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में शीर्ष बर्तन में सामग्री पहले पकती है, फिर नीचे की तरफ एक के बाद एक पकती जाती है, अर्थात सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना पहले पक जाता है ना चमत्कार। मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर ही आप सागर द्वारा निर्मित किसी भी प्रकार की ध्वनि को नहीं सुन सकते। आप एक ही कदम को पार करें तब जाकर आप इसे सुन सकते हैं। इसे शाम के समय स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। कैलाश मानसरोवर, यहाँ साक्षात भगवान शिव विराजमान है। ये धरती का केंद्र है। दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित कैलाश मानसरोवर के पास ही कैलाश पर्वत और आगे मेरु पर्वत स्थित है। ये संपूर्ण क्षेत्र शिव और देवलोक कहा गया है। रहस्य और चमत्कार से परिपूर्ण इस स्थान की महिमा वेद और पुराणों में भरी पड़ी है। कैलाश पर्वत समुद्र सतह से 22,068 फुट ऊंचा है तथा हिमालय से उत्तरी क्षेत्र में तिब्बत में स्थित है। चूंकि तिब्बत चीन के अधीन है अतः कैलाश चीन में आता है, जो 4 धर्मों तिब्बती धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू का आध्यात्मिक केंद्र है। कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम हुआ है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज और करनाली। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर अपने रहस्य और अथाह खजाने की वजह से दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसे भारत का सबसे अमीर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर में कई गुप्त तहखाने बने हैं, इसमें से कुछ को खोला जा चुका है और उसमें से अरबों खरबों का खजाना भी मिला है, लेकिन इसका 7वां दरवाजा आज तक खोला नहीं गया है। यूं कहें कि कोई भी उसे खोल नहीं पाता है। बताया जाता है कि इसके पीछे गहरा रहस्य छुपा हुआ है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। ये ऐतिहासिक मंदिर तिरुवनंतपुरम के अनेक पर्यटन स्थलों में से एक है। बताया जाता है कि इस मंदिर को 16वीं शताब्दी में त्रावणकोर के राजाओं ने बनवाया था। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ही मंदिर के तहखानों में भारी मात्रा में खजाना छुपाकर रख दिया था। इस मंदिर के 6 तहखाने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में खोले जा चुके हैं, जिसमें से भारी मात्रा में सोने चांदी और हीरे जवाहरात मिले हैं। इनकी कीमत अरबों खरबों में बताई जाती है। कहते हैं कि इस मंदिर के 7वें तहखाने के दरवाजे को भी खोलने की कोशिश की गई थी, लेकिन दरवाजे पर बने बड़े से सांप के चित्र को देखकर काम रोक दिया गया। माना जाता है कि 7वें दरवाजे को खोलना अशुभ होगा। कन्याकुमारी मंदिर दोस्तों, समुद्री तट पर ही कन्याकुमारी देवी का मंदिर है, जहां देवी पार्वती के कन्या रूप को पूजा जाता है। मंदिर में प्रवेश के लिए पुरुषों को कमर से ऊपर के वस्त्र उतारने पड़ते हैं। प्रचलित कथा के अनुसार देवी का विवाह संपन्न न हो पाने के कारण बच गए दाल चावल बाद में कंकड़ बन गए। आश्चर्यजनक रूप से कन्याकुमारी के समुद्र तट की रेत में दाल और चावल के आकार और रंग रूप के कंकड़ बड़ी मात्रा में देखे जा सकते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त, कन्याकुमारी अपने सूर्योदय के दृश्य के लिए काफी प्रसिद्ध है। सुबह हर होटल की छत पर पर्यटकों की भारी भीड़ सूरज की आगवानी के लिए जमा हो जाती है। शाम को अरब सागर में डूबते सूरज को देखना भी यादगार होता है। उत्तर की ओर करीब 2 से 3 किलोमीटर दूर एक सनसेट पॉइंट भी है। शनि शिंगणापुर, देश में सूर्य पुत्र शनिदेव के कई मंदिर हैं। उन्हीं में से एक प्रमुख है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित शिंगणापुर का शनि मंदिर। विश्व प्रसिद्ध इस शनि मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ स्थित शनिदेव की पाषाण प्रतिमा बगैर किसी छत्र या गुंबद के खुले आसमान के नीचे एक संगमरमर के चबूतरे पर विराजित है। ये शिंगणापुर शहर में भगवान शनि महाराज का खौफ इतना है कि शहर के अधिकांश घरों में खिड़की, दरवाजे और तिजोरी नहीं है। दरवाजों की जगह यदि लगे हैं तो केवल पर्दे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां चोरी नहीं होती। कहा जाता है कि जो भी चोरी करता है उसे शनि महाराज सजा स्वयं दे देते हैं। इसके कई प्रत्यक्ष उदाहरण देखे गए हैं।
शनि के प्रकोप से मुक्ति के लिए यहाँ पर विश्व भर से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है जिसकी गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है। प्राचीन काल में इसका शिवलिंग हवा में झूलता था, लेकिन आक्रमणकारियों ने इसे तोड़ दिया। माना जाता है कि 24 शिवलिंगों की स्थापना की गई थी, उसमें सोमनाथ का शिवलिंग बीचों बीच था। इन शिवलिंगों में मक्का स्थित काबा का शिवलिंग भी शामिल है। इनमें से कुछ शिवलिंग आकाश में स्थित कर्क रेखा के नीचे आते हैं। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। इस स्थान को सबसे रहस्यमय माना जाता है। यदुवंशियों के लिए यह प्रमुख स्थान था। इस मंदिर को अब तक 17 बार नष्ट किया गया है और हर बार इसका पुनर्निर्माण किया गया। यही भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग किया था। श्री कृष्ण भालुका तीर्थ पर विश्राम कर रहे थे, तभी शिकारी ने उनके पैर के तलवे में पद्म चिन्ह को हिरण की आंख जानकर धोखे में तीर मारा था। तभी कृष्ण ने देह त्याग कर यहीं से बैकुंठ गमन किया था। इस स्थान पर बड़ा ही सुंदर कृष्ण मंदिर बना हुआ है। कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर को तांत्रिकों का गढ़ कहा गया है। माता की 51 शक्ति पीठों में से एक इस पीठ को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यह असम के गुवाहाटी में स्थित है। यहाँ त्रिपुरा सुंदरी, मतांगी और कमला की प्रतिमा मुख्य रूप से स्थापित है। दूसरी ओर 7 अन्य रूपों की प्रतिमा अलग अलग मंदिरों में स्थापित की गई है जो मुख्य मंदिर को घेरे हुए है। पौराणिक मान्यता है कि साल में एक बार अंबुवाची पर्व के दौरान माँ भगवती रजस्वला होती हैं और माँ भगवती की गर्भगृह स्थित महामुद्रा से निरंतर 3 दिनों तक जल प्रवाह के स्थान से रक्त प्रवाहित होता है। इस मंदिर के चमत्कार और रहस्यों के बारे में किताबें भरी पड़ी हैं। हजारों ऐसे किस्से हैं जिससे इस मंदिर के चमत्कारिक और रहस्यमयी होने के प्रमाण मिलते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।